रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर, देवथर के पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ चाकघाट थाने के सामने बैठे धरने पर। पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जमीनी मामले को लेकर स्थगन आदेश के पश्चात भी कार्यवाही नहीं होने से विधायक श्यामलाल द्विवेदी थे नाराज। बता दें कि पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी को थाना परिसर के सामने भूमि पर बैठा देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग आधे घंटे तक पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी भाजपा के सैकड़ों वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ थाना परिसर के सामने बैठे रहे। जमीनी विवाद के उक्त मामले पर तत्काल एक्शन पर पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी द्वारा क्या कुछ कहा गया, सुने उन्हीं की जुबानी। क्या विषय था और किस बात को लेकर आपको थाना परिसर में धरने पे बैठने की आवश्यकता पड़ी? देखिए, पहले तो ये धरना है ही नहीं है, न प्रदर्शन है, न धरना है न प्रदर्शन है न किसी तरह की ऐसी कोई बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ग्राम पडरी में आम रास्ता कुछ लोग बंद कर रहे हैं, उस रास्ते के लिए स्थगन तहसीलदार साहब ने दे दिया है। मेरा कथन इसलिए मैं आया हूँ यहाँ ये कहने कि स्थगन के बावजूद काम शुरू है, वो न्याय और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत बात है। उस काम को तत्काल रुकवा दें, रुकवाने के बाद प्रकरण न्यायालय में लंबित है और न्यायालय जो निर्णय देगा वो सबको सर्वमान्य है। मैं यही बात करने आया, तो मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। सभी लोग देखे कि यहाँ भैया बैठे हैं, आ गए, न कोई धरना है न कोई प्रदर्शन है। जैसा कि आप 5 वर्ष से यहाँ क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, फोन पर भी तो आपका कार्य हो सकता था, लेकिन आप थाना परिसर। मैं असल में सीधे सीधे अधिक पसंद करता हूँ, फोन ओन मैं कम पसंद करता हूँ। जिस अधिकारी हो या मेरा कोई कार्यकर्ता हो, सीधे बात करने में बात पूरी हो जाती है, फोन में आधी अधूरी बात होती है। आज पूर्व विधायक जी थाना परिसर चाकघाट में पहुंचे हैं, क्या विषय था और किन मांगों को लेकर यहां बैठे थे, किस प्रकार से निराकरण हो रहा है? विषय ये था कि सर्किल रायपुर व्रत अंतर्गत एक ग्राम पड़ रही है, वहां पर जब विधायक जी ने मुझे अभी 1 घंटे पहले बताया कि जो है इस पर कोई व्यक्ति द्वारा रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है, तो हम संज्ञान में लेते हुए यहाँ पर थाने पर आए हैं और वहाँ पर काम वहाँ नायब तहसीलदार को भेज करके रुकवा दिया गया है। और इसके बाद मैं खुद जाता हूँ निरीक्षण में और देखूँगा कि यदि कार्य चालू होगा तो उसको रुकवाऊँगा और जो निराकरण की स्थिति होगी यदि पक्ष और विपक्ष में होगी तो दस्तावेज के आधार पर उसका निराकरण करूँगा। सर, एक प्रश्न और था, जैसे कई बार सामने के साथ जमीनी विवाद में स्थगन के बावजूद भी कार्य मौके पर नहीं बंद हो पाते हैं, इसको लेकर किस प्रकार से आगे? अब इस पर ये रहता है कि बाद में भी पुलिस की कार्रवाई होती है, कंटेम्प्ट लगता है उनके खिलाफ और यदि दोषी पाया जाता है तो गिरा भी दिया जाता है।